अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं श्रद्धा हूँ, पाप का अंत और पुण्य का उदय करवाने वाली श्रद्धा, अकर्म का सर्वनाश और कर्म का प्रतिफल देने वाली श्रद्धा। कि वे विष्णु भक्त उत्तानपाद के परिवार में अपने कुदृष्ट का अंधकार छा देंगे। ढैया और साढ़े साथी के साथ शनि भक्त साधुओं का रूप धारण कर शनिदेव सुनीति को भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं। साधु बने शनिदेव के आदेश का सम्मान करती सुनीति उत्तानपाद से दूसरे विवाह की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाती। उत्तेजित उत्तानपाद महामंत्री और राजगुरु का भी प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं। आकाश में देवर्षि नारद की भेंट शनिदेव से होती है। किसे प्रणाम कर रहे हैं देवर्षि नारद? नारायण नारायण। भक्त अपने भगवान के अतिरिक्त किसे प्रणाम करेगा शनिदेव? यहाँ तो मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है नारद। क्या देवताओं के ऋषि नारद ने शनिदेव को अपना भगवान स्वीकार कर लिया? नारायण नारायण, ऐसा महान भ्रम शनिदेव को शोभा नहीं देता। सृष्टि के प्रथम दिन से ही ब्रह्मपुत्र नारद भगवत भक्ति के लिए विख्यात है। इस संसार में उसके आराध्य एकमात्र जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु है। किंतु तुम्हारे जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे नारद, तो फिर तुम प्रणाम किसे कर रहे थे? नारायण नारायण, उस ओर देखिए शनिदेव, आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। वहाँ संसार की प्रेरणा और ऊर्जा का केंद्र वैकुंठ कैसा शोभायमान हो रहा है। नारायण नारायण। नारद, मुझे भ्रमित करने का दुस्साहस ना करो। अब नारायण नारायण, क्रोधित क्यों हो रहे हैं शनिदेव? मैं तुम्हारी चतुराई से भली भांति परिचित हूँ नारद। तुम्हारे को अपनी चतुराई से भ्रम में डाल देते हो, परंतु तुम्हारा ये नारद लीला का नाटक शक्तिशाली शनि को भ्रम में नहीं डाल सकता। नारायण नारायण, अहंकार की कुदृष्टि से वैकुंठ दिखाई पड़ेगा भी नहीं। ना 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 नारद ना। शनिदेव शनिदेव, मैं आपका स्वर भली भांति सुन रहा हूँ, अपने सप्तम स्वर को कष्ट न दे। नारायण नारायण, यदि आपको वैकुंठ इस दिशा में न दिखे तो उस दिशा में देखिए। उधर भी न दिखे तो इधर देख ले। और इधर भी न दिखे तो नारद के हृदय में देख ले। नारायण नारायण। हमसे परिहास का दुस्साहस ना करो नारद, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। हम क्षण मात्र में अपने विध्वंसक भयानक और मारक दृष्टि से तुम्हें भस्म कर देंगे। नारायण नारायण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि शनिदेव नारद को भस्म करने का कार्य कदापि नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कार्य के पश्चात शनिदेव का अपनी विध्वंसक विस्फोटक और मारक शक्तियों पर विश्वास नष्ट हो जाएगा, और ज्ञात होने पर भी
शनिदेव अपने विश्वास को नष्ट तो नहीं करेंगे ना? नारायण नारायण। नारद, मेरी विध्वंसक शक्तियों का अपमान करने के कारण मैं तुम्हें भस्म करता हूँ। शनिदेव शनिदेव शनिदेव, इस दिन ही नारद से क्या अपराध हो गया जो आप इसका मार्ग अवरुद्ध कर स्वयं ही दर्शन देने पधारे और तनिक सी बात पर भस्म करने की चेतावनी देने लगे? नारायण नारायण। अपराध तुमसे नहीं हुआ है नारद, उस छलिया विष्णु से हुआ है जिसके भक्तों से हमारी घोर शत्रुता है। नारायण नारायण, शनिदेव आप कब तक इस शत्रुता का आवरण ओढ़े रहेंगे? जब तक इस संसार में एक भी विष्णु भक्त शेष है, प्रतिशोध की ये ज्वाला इसी प्रकार धधकती रहेगी। किंतु मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा नारद। नारायण नारायण, नारद पर ये प्रेम पूर्ण कृपा क्यों शनिदेव? क्योंकि हमारे प्रतिशोध की सूचना वैकुंठ तक तुम ही तो पहुंचाओगे नारद। कैसी सूचना शनिदेव? इस बार तुम्हारे आराध्य विष्णु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जाकर कह देना अपने विष्णु से। भगवान विष्णु के भक्तों की चिंता आपको कब से होने लगी शनिदेव? जब किसी को पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगतना हो तब हमारा कर्तव्य स्वयं ही निर्धारित हो जाता है। ये शनिदेव का अटल विधान है, इसमें संसार की कोई भी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नारायण नारायण, आप किसके पूर्व जन्मों के पापों की बात कर रहे हैं? तनिक स्पष्ट बताएं शनिदेव। हमें भली भांति ज्ञात है कि तुम इस समय अपने आराध्य विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ जा रहे हो नारद। उसे मेरी चेतावनी से परिचित करवा देना नारद कि वो शनिदेव की विध्वंसक शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस ना करे। मैं शनि हूँ शनि। नारायण नारायण। शनिदेव आप तो ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं। आपकी रहस्यमय भाषा का अर्थ नारद के तनिक भी समझ में नहीं आया, कृपया सरल भाषा में बताएं शनिदेव। परम विष्णु भक्त मनु के पुत्र तांगपाद और उसकी धर्म पत्नी सुनुति के जीवन में अब जो भी आश्चर्यजनक घटना घटित होगी, विष्णु उसमें हस्तक्षेप ना करे नारद। नारायण नारायण। कुछ अभूतपूर्व घटित हुआ है महादेवी? इस संसार में जो कुछ भी नया होता है वो अभूतपूर्व ही होता है। जगत पालक जगदीश्वर श्री विष्णु के जगत में ऐसा नया क्या घटित हो गया? महादेवी, सृष्टि का हर पल नया ही तो है। वो जीवन में घटने वाली हर घटना का नया संकेत ही तो लेकर आता है। हर नया पल नए कर्मों का निर्धारण करता है महादेवी। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। महादेवी लक्ष्मी, समाधि अवस्था में ही हमें अपने परम भक्त और जन कल्याण के शुभचिंतक देव ऋषि का स्मरण हो गया। परम भागवत भक्त देव ऋषि नारद के स्मरण ने आपको उद्विग्न कैसे कर दिया स्वामी? हम उद्विग्न नहीं है महादेवी,
किंतु नारद को मिली चुनौती से गंभीर अवश्य है। नारद को चुनौती? स्वामी, आपकी कृपा से 14 भुवनों में निर्भय होकर विचरण करने वाले संसार के मित्र और जगत कल्याण की चिंता करने वाले देवऋषि नारद को भला चुनौती कौन दे सकता है? त्रिदेवों से शत्रु भाव रखने वाले सूर्य पुत्र शनि देव ने हमारे परम भक्त नारद को चुनौती दी है। कैसी चुनौती प्रभु? महादेवी लक्ष्मी, भागवत भक्त नारद कुछ ही क्षणों में यहाँ पधारने वाले हैं, तब उस चुनौती के विषय में तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा। किंतु प्रभु, आपकी गंभीरता का कारण क्या है? हम इस समय यही सोच रहे हैं महादेवी, कि हम नारद की जिज्ञासा का समाधान कैसे करेंगे। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी इच्छा ही विधि का विधान और नियंता की नियति है। आपकी कृपा से ही इस संसार को गति प्राप्त है, तो समाधान की चिंता क्यों? महादेवी, आप इस सत्य से अपरिचित नहीं हैं कि हम अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग प्राणियों के कर्म के अनुसार ही करते हैं। जो व्यक्ति पाप करेगा, दुष्कर्म अथवा दुराचार करेगा, उसे हम पुण्य फल कैसे प्रदान कर सकते हैं? नारायण नारायण, ओम नमो नारायणाय। प्रणाम माता। देवर्षि, जगदीश्वर इस समय आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। नारायण नारायण, इस दिन ही नारद की प्रतीक्षा कर जगदीश्वर भगवान विष्णु ने अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कर दिया है। क्या आज्ञा है प्रभु? नारद, हमें तुम्हारे वैकुंठ आने का कारण ज्ञात है। तुम अवश्य मन में यही सोच रहे होगे कि सूर्य पुत्र शनि देव ने हमें चुनौती देने का दुस्साहस कैसे किया। जगदीश्वर, मैं शनिदेव के व्यवहार से विचलित हूँ। त्रिदेवों के प्रति उनकी शत्रुता का विस्फोट अति भयंकर होता जा रहा है। हमें तुम्हारे मन की इस भावना का भी ज्ञान है नारद, कि तुम शनिदेव को उनकी अशिष्टता का दंड हमसे दिलवाने के इच्छुक हो। नारायण नारायण, अंतर्यामी, आपसे किसी के मन की बात भला कैसे छुपी रह सकती है? परम भगवत भक्त नारद को ये आचरण शोभा नहीं देता। क्षमा हे भक्त वत्सल, क्षमा। हे जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, यदि आपके इस दीनहीन भक्त नारद से कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा करें और अज्ञानी समझकर उसका मार्गदर्शन करें। देवर्षि नारद, आपके मन में उठने वाले विचारों का अनुभव कर समाधि में रमा हमारा मन विचलित हो गया था। समाधि का त्याग कर हम गंभीरता से आपके विषय में ही विचार कर रहे थे। प्रभु, नारद तो आपका परम भक्त है। यदि अज्ञान में उसे कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करते हुए इसका मार्गदर्शन करें। महादेवी लक्ष्मी, इस समय परम भगवत भक्त नारद के मन में जिस प्रकार के प्रश्न उठे हैं, उनका अनुभव कर हमें नारद की भक्ति पर संदेह हो गया है। हे करुणा की साक्षात मूर्ति, हे जगत पिता जगदीश्वर, इस संसार में आपके अतिरिक्त नारद का कोई आश्रय नहीं है। उसकी इस प्रकार अपेक्षा न करें। आप तो रहस्यों के रहस्य हैं। आपकी महिमा को तो परम पिता ब्रह्मदेव तक न समझ सके, तो मैं क्या समझूंगा। मुझे क्षमा करें भक्त वत्सल, मेरा मार्गदर्शन करें। भक्त का स्थान भगवान के चरणों में नहीं, हृदय में होता है। उठो नारद, तुम हमारे परम प्रिय भक्त हो, इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं है।
किंतु आज शनि देव के सम्मुख तुम्हें क्या हो गया था देवर्षि नारद? आपकी मनमोहक छवि के दर्शन कर मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है प्रभु। नारद, एक भक्त का मन तो सदा अपने भगवान की भक्ति से आनंदित रहना ही उचित है, किंतु आज शनि देव के सम्मुख तुम्हारे मन में उनके प्रति दुर्भावना क्यों जागी? उन्हें हमसे दंडित करवाने का विचार कैसे जन्मा? नारायण नारायण, प्रभु प्रभु, शनिदेव आपकी सर्वशक्तिमत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे थे। भक्त नारद, हमें ज्ञात है कि मेरे इच्छा संसार में मेरे द्वारा जीवन को प्राप्त अनेक प्राणी अपने अहंकार से भ्रमित होकर हमें छलिया कहते हैं, हमें देव प्रेमी और दैत्य शत्रु कहकर संबोधित करते हैं। तो क्या तुम उन सबको भी दंडित करवाने की याचना करोगे? इसमें अनुचित क्या है प्रभु? दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड मिलना आवश्यक है। महादेवी लक्ष्मी, मेरे इस इच्छा संसार में हर जीव को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इस संसार में जहां सत्य की गरिमा, सदाचार की महिमा, जन कल्याण की भावना और मर्यादा का पालन ही प्रमुख है, वहीं असत्य, दुष्कर्म, अहंकार, दुराचार और दुर्भावना भी अपनी उपस्थिति का संघर्ष करते रहते हैं। प्रभु, इन दुष्ट विचारों को तो सदा सदा के लिए समाप्त कर देना ही उचित होगा। महादेवी, सत्य की स्वीकृति के लिए असत्य का होना, धर्म की स्थापना के लिए अधर्म की उपस्थिति, सदाचार की भावना के लिए दुराचार की दुर्भावना न होगी तो सत्य की स्वीकृति, धर्म को मान्यता और सद्भावना की विजय कैसे होगी? प्रभु, मैं शनि देव के स्वभाव से अपरिचित नहीं हूँ। अपने जन्म के प्रथम दिन से वे त्रिदेवों के प्रति शत्रु भाव रखते हैं। जब तब व्रत की महिमा बढ़ाने वाले महासम्मेलन में भी शनि देव ने अपने पिता सूर्य और त्रिदेवों के अपमान का एक भी अवसर नहीं छोड़ा। महासम्मेलन का स्मरण करवा के आप क्या कहने की इच्छुक है महादेव? प्रभु, त्रिदेवों के शनि देव के प्रति हर निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है कि आप सभी शनि देव के अहंकार को प्रोत्साहन देते हैं। शनि देव आप त्रिदेवों की कृपा और दया का अनुचित अर्थ लगाकर संपूर्ण संसार को पीड़ित करते हैं। प्रभु, अब शनि देव को इस सत्य का ज्ञान कराना आवश्यक हो गया है कि जगत पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु से शत्रुता का परिणाम उनके लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। महादेवी लक्ष्मी, ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्र मोह में आपकी महत्वाकांक्षा विधि के विधान को खंडित करने की इच्छुक है। अर्थात? महादेवी लक्ष्मी, सूर्य पुत्र शनि देव हमारे द्वारा निर्मित सृष्टि के ही अंग हैं। सृष्टि में शुभ तथा अशुभ का संतुलन बनाए रखने के लिए शनि देव एक माध्यम का कार्य कर रहे हैं। जब तक अंतिम परिणाम दिखाई नहीं पड़ जाता, तब तक उस परिणाम तक पहुंचने वाली हर घटना को साक्षी भाव से देखना ही उचित है। देवर्षि नारद, आज्ञा प्रभु। इस संसार की समस्त दिव्य शक्तियां आपको प्राप्त है। यदि कोई विषय आपके और आपकी भक्ति के अनुकूल न हो तो आप अदृश्य होकर उस स्थान और विषय का त्याग कर सकते हैं, किंतु एक भक्त के मन में किसी के भी प्रति दुर्भावना जागृत होना अनुचित है। हे भक्त वत्सल,
आपका मार्गदर्शन पाकर नारद का जीवन धन्य हो गया। भविष्य में ऐसा कदापि न होगा। देवर्षि, आपके संतोष के लिए हम इस समय आपको एक आश्वासन अवश्य देते हैं कि कष्ट और संघर्ष की कठोर परीक्षा के पश्चात हमारे भक्त हमारी कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे।